1911 से पहले भारत की राजधानी रह चुका शहर कलकत्ता एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मेट्रो लाइन के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। ब्रिटिश शासन के दौरान ये शहर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। ब्रिटिश एम्पायर का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर था और पहला शहर लंदन था। कलकत्ता भारत का ऐसा शहर है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और यहां मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। भारत में रहने वाले ज्यादातर चाइनीज लोग कलकत्ता में रहते हैं। सिटी ऑफ पैलेस के नाम से मशहूर कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया पैलेस ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है। कलकत्ता भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ट्रेन चलती है और इसे पुराने समय से जोड़कर देखा जाता है। कलकत्ता में आज भी हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा चलाए जाते हैं। कलकत्ता का ईडन गार्डन्स पूरे भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कलकत्ता भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। कलकत्ता का साइंस सेंटर भारत का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। कलकत्ता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भूतिया बताया जाता है क्योंकि मेट्रो से होने वाली मौतों में से 70% मौतें इसी स्टेशन पर होती हैं। कलकत्ता का रॉयल गल्फ क्लब इंग्लैंड का पहला ऐसा क्लब है जिसे इंग्लैंड के अलावा किसी और देश में बनाया गया था। टोक्यो के बाद कलकत्ता एशिया का ऐसा दूसरा शहर है जिसे 5 नोबेल प्राइज से नवाजा गया। कलकत्ता में भारत की सबसे बड़ी पुरानी बुक्स की मार्केट है। कलकत्ता का बिरला प्लेनेटेरियम भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। यहाँ दिन में भी लोग तारों भरी रात का अनुभव कर सकते हैं। कलकत्ता का सोनारगाछी पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ बहुत सारे देशों की महिलाएं काम करती हैं और ये सब यहाँ अपनी मर्जी से आती हैं। कलकत्ता बुक फेयर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। कलकत्ता में भारत का सबसे पुराना जू है, वहीं भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी कलकत्ता में ही है।